महाठक सुकेश चंद्रशेखर मामले में दो अभिनेत्रियों से पूछताछ हुई है, जैकलिन और नौरा फतेही। लेकिन अब जो है एक अभिनेत्री इस पूरे मामले में गवाह बनने को तैयार हुई है। कौन है अभिनेत्री और इनसे पूछताछ के दौरान जो है ऐसी क्या बातें सामने आई, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पे आपको बताऊंगी। तो कुछ दिनों पहले ये बात सामने आई कि तिहाड़ से मिलने के लिए बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां जो हैं तिहाड़ में सुकेश चंद्रशेखर से मिलने के लिए बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां गईं और 10 अभिनेत्रियों का दावा किया जा रहा है। हालांकि उसको नाम को लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आया, लेकिन इस पूरे मामले में जो है एक्ट्रेस नौरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ हुई। महंगे गिफ्ट दिए गए, पैसा ट्रांसफर किया गया, ऐसे कई एंगल से जो है जांच चल रही है और कई चीज़ें जो हैं कुछ चैट्स भी मीडिया के सामने बाहर आई। लेकिन अब लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक आज तक की खबर में ये दावा किया गया है कि ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चल रहे केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस नौरा फतेही प्रोसिक्यूशन की गवाह बनेंगी। ठग सुकेश की पत्नी लीना पॉल ने चेन्नई में हुए एक इवेंट के दौरान उन्हें BMW कार और आईफोन गिफ्ट किया था। अब पूरे मामले में नौरा सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ गवाह के तौर पर जो है काम करेंगी और उन्होंने सभी आरोपों का गलत बताया। उन्होंने कहा कि हाँ वो जो गिफ्ट मिले थे लेकिन वो इवेंट के टाइम पर उनकी पत्नी ने मुझे दिए थे और उन्होंने मुझे लेने के लिए इंसिस्ट किया था। इन गिफ्ट को लेने के बाद मैंने कोऑर्डिनेटर से पूछा भी था तो उस कोऑर्डिनेटर ने कहा ये सब नॉर्मल है, कई बार इवेंट में आर्टिस्ट को ऐसे गिफ्ट दिए जाते हैं। तो 200 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है सुकेश चंद्रशेखर पर और लगातार पिछले कई महीनों से जाँच चल रही है। हम आपको बता दें कि जैकलिन को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाए जाने की खबरें सामने आई हैं। उनकी और जैकलिन की कई तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि नौरा इस पूरे मामले में गवाह बनने को तैयार हुई है।